वक्त के साथ एक बड़ी कमाल की बात है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो दोनों ही कट जाते हैं। एक बार एक राजा को बाबा जी मिले और बाबा जी ने राजा को एक ताबीज दिया। क्योंकि राजा काफी भक्ति में लीन टाइप का इंसान था, इसलिए राजा ने वो ताबीज अपने गले में पहन लिया। बाबा जी ने कहा, इस ताबीज में तुम्हारे लिए एक कागज रखा है और उस कागज में कुछ लिखा है, लेकिन इस ताबीज को उस कागज को तभी खोलना तब पढ़ना है जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो। राजा ने बोला, जो आ गया महाराज, जो आपने बोला वही होगा। उसके बाद राजा अपने गाँव में लग गए, भूल गए ये सबको। बहुत वक्त बीत गए। एक बार राजा जंगल में शिकार करते हुए पहुंचे और कब अपनी सेना से दूर चले गए, शेर का पीछा करते कब दूसरे राज्य के सीमा में प्रवेश कर गए उन्हें खुद ही नहीं मालूम। राजा बड़े परेशान अपने राज्य का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जंगल में वो खो गए। अब राजा साहब उस जंगल में गुफा में चले गए और उन्हें लगा, यहाँ मेरे लिए ये एक सबसे सुरक्षित स्थान है, इससे सुरक्षित स्थान मेरे लिए यहाँ शायद ना हो। राजा को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, राहत मिली। तभी राजा के कानों में घोड़ों की टिक टिक आवाज आने लगी और राजा की सांसें बढ़ने लगी। राजा को लगा कि अब मुझे दुश्मन देश के सैनिक पकड़ लेंगे, वो मेरे पास आ रहे हैं और मेरा राजपाट, मेरी प्रजा, मेरे सब लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाने वाला है, हो सकता है मुझे मार दिया जाए। राजा के दिमाग में इतने सारे विचार आने लगे, जैसा कि हम सभी के साथ होता है, हम परेशानी में बहुत उल्टा उल्टा सोचने लगते हैं। तभी राजा को अचानक से याद आया कि बाबा जी ने मुझे एक ताबीज दिया था जो मैंने पहना हुआ है। राजा ने वो ताबीज खोला, निकाला और ताबीज में जो कागज था उसको खोला, उसको पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये वक्त भी कट जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली, खुद पर विश्वास किया, ऊपर वाले का धन्यवाद किया और तभी जो घोड़े की आवाज पास आती सुनाई दे रही थी वो दूर गई। और तब राजा को लगा कि वो सैनिक जो है दुश्मन देश के वो वापस जा चुके हैं। राजा उस गुफा से बाहर निकले, जैसे तैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा, वापस अपने राजपाट को जाकर के संभाला। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, दोनों वक्त ही कट जाते हैं, ज्यादा टाइम रहने वाले नहीं है। इसलिए जो अच्छा वक्त है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए, उस मूवमेंट को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो बुरा वक्त है उस वक्त अपने आप पर पूरा यकीन कीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए और वक्त भी कट जाएगा। जिंदगी में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो।